पिछले काफी महीनों से जम्मू के लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। इस वजह से राशन डिपो के खिलाफ लगातार ये लोग नारेबाजी करते आए हैं। ऐसा ही कुछ नजारा सोमवार को भी देखने को मिला, जब यहाँ के लोगों ने राशन डिपो के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल सोमवार को स्थानीय लोगों का कहना है कि राशन नहीं मिला है इनको, पिछले 6 महीने से इनको राशन मिल ही नहीं रहा है। एक आध महीने जो राशन इनको मिलता भी है तो राशन डिपो मालिक उस राशन का दाम बढ़ा देते हैं। ऐसे में बीजेपी पीडीपी सरकार पर भी तंज कसते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि बीजेपी पीडीपी सरकार जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने वादा किया था कि महंगाई कम होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता है। इस पूरे मसले पर जब जन वितरण मंत्रालय के मंत्री जुल्फिकार अहमद से बातचीत की गई तो जुल्फिकार अहमद ने कहा कि ये पूरा मामला उनके संज्ञान में नहीं है, उनको इस बारे में नहीं पता है कि राशन डिपो मालिक मनमानी कर रहे हैं, राशन नहीं दे रहे हैं। ऐसे में जब हमने उनसे सवाल किया कि अब क्या किया जाएगा तो उन्होंने कहा कि जो भी राशन डिपो मालिक या फिर जितने भी राशन डिपो लोगों को राशन नहीं दे रहे हैं या फिर ज़्यादा दामों में दे रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो पीडीपी और बीजेपी सिर्फ जुल्म कर रही है, राशन कार्ड के जो डिपो वाले मालिक हैं उनके पास डिपो आता है वो सिर्फ 2 किलो राशन दे रहे हैं, बाकी सब लोगों को ब्लैक कर रहे हैं, वो भी हमारी जनता नहीं उठा रही है। क्योंकि मैं चाहता हूँ, हमारी जनता चाहती है कि इनके ऊपर एक्शन आए और जब आने वाले चुनाव हो हमारी जम्मू कश्मीर की जनता इनको मुंह तोड़ के जवाब दे। मेरे पास इस किस्म की कोई रिपोर्ट नहीं, राशन एडिक्वेटली अवेलेबल है, अगर कहीं पे स्पेसिफिक कंप्लेंट होगी विल टेक एक्शन। हमने मैं अगर आपकी बात के, हमने एडवांस राशन जम्मू के MLAs ने मेरे पास आके कहा है कि हमें राशन जो है, हमने जो निर्णय लिया था कि हम 3-3 महीने का राशन लोगों को इकट्ठा देंगे, उन्होंने कहा आप 1-1 महीने का राशन दीजिए। There is no shortage of ration, there is no dearth of ration. If there is any problem in distribution, we will address that.